हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उससे पहले अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आए तो आप उसको थोड़ा सा बियर कर लेना, बिकॉज़ मैं मम्मी के घर पे हूं और यहां कुछ ना कुछ नॉइज़ चलता रहता है। एनीवेज, आज मैं शेयर करने वाली हूँ ज्वेलरी से रिलेटेड वीडियो, मतलब एक ज्वेलरी हॉल शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मैं तीन वीडियोस शूट करूँगी आज, बट आज मैं एक में मैं पूरा सेट दिखाऊँगी गले का और कान में का, और एक में इयररिंग सेट दिखाऊँगी और एक में लाइट इयररिंग। ऐसा करके तीन वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ। बट अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चार ऐसे अमेज़ॉन से लिए हुए मेरे सेट, जो कि आप वेडिंग में एज अ गेस्ट पहन सकते हैं। अगर आपका छोटा मोटा फंक्शन है उसमें आप कैरी कर सकते हो, लाइक हल्दी है मेहंदी है उसमें कैरी कर सकते हो, एंड अगर फेस्टिव्स हैं जो भी दिवाली है या कोई भी फंक्शन है तो आप उसमें भी इसको कैरी कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये जो ओपन किया हुआ मैंने सेट वो आपको दिखाऊँगी, और इन सब का रिव्यू भी करूँगी कि ये कैसे हैं, आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कितनी फिनिशिंग है, क्या कुछ है। तो सबसे पहले मेरे पास ये ओपन सेट है, ये कुछ इस तरीके का है, और ये मैंने अमेज़ॉन से ही सारी ज्वेलरीज ली हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर। तो ये ब्रांड जो है वो है शाइनिंग दीवा। मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बट शाइनिंग दीवा ब्रांड है ये। और ये है कुंदन एंड पर्ल के अंदर बहुत ही प्रिटी सा सेट, ये आप देख सकते हो। बहुत मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये, और बहुत ही डिसेंट सा है ये। ये देखिए बहुत सुंदर है ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आगे इसमें गोल्डन बेस भी है, कुंदन का काम है, ग्रीन पर्ल है, तो काफ़ी मल्टीपर्पज़ हो जाता है। आप किसी भी अपनी जो भी आप साड़ी है या फिर सूट वगैरह हैं उनमें भी आप इसको कैरी कर सकते हो। और इसके साथ में इयररिंग्स मिल जाती हैं जो कि मीडियम साइज़ की हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि सेट ऐसा है। तो इसमें इयररिंग्स आपको कुछ इस तरीके की मिलती हैं, वही कुंदन में है और नीचे एक पर्ल लगा हुआ है। तो काफ़ी डिसेंट सा सेट है, और आप इसे कहीं भी आने जाने में, किसी के घर जा रहे हैं तो भी इसे कैरी कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ से मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये कहीं पर भी इसको पहना जा सकता है, और काफ़ी सारी ड्रेसेस के साथ में जाएगा क्योंकि इसमें ये कुंदन का जो काम है वो थोड़ा सा वाइट लिए हुए हैं। तो आप इसे कई सारी साड़ियों या कई सारी ड्रेसेस के साथ में कैरी कर सकते हो। सो ये मेरा पहला सेट था। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सेट, जो कि बहुत सुंदर है। अगेन ये भी शाइनिंग दीवा ब्रांड से ही है, ये मैंने अभी ऑर्डर किया था, शाइनिंग दीवा और उससे ही है, ब्रांड सेम ही है। और ये देखिए कितना सुंदर सेट है, है ना। तो इसमें क्या चीज़ है अच्छी कि एक ही आपको लॉन्ग नेकलेस इस तरीके का मिलता है, और एक ही आपको शॉर्ट नेकलेस भी मिलता है, और साथ में इसमें मीडियम साइज़ की इयररिंग्स भी मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा छोटी इयररिंग्स पसंद नहीं है, तो और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं अच्छी लगती हमेशा। तो ये वो साइज़ है जिसको कि आप कभी भी कैरी कर सकते हो। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पीछे से ये दोनों सेट जो हैं वो अलग हो जाते हैं। ये इस तरह से है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसमें एक तो रेड और ग्रीन कलर का मीना का काम है, स्टोन का काम है, और गोल्डन बेस है, और नीचे पर्ल भी लगा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर ये सेट है। ये छोटा वाला है तो आपको बस ऐसे यहाँ पर गले में आप लगा सकते हो, और जैसे आपका खुद का फंक्शन है, एंगेजमेंट वगैरह है, तो आप दोनों जो सेट हैं, दोनों जो हार हैं उनको आप कैरी कर सकते हो। ये वाला भी जैसे है, ये वाला भी आप देख सकते हो, ये काफ़ी लॉन्ग में है। मैं क्लोजअप में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही फिनिश्ड है वैसे तो ये, है ना। और ये इसकी इयररिंग है, बट मैं इसको रिटर्न क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर इसकी इयररिंग है, मीडियम साइज़ की इयररिंग्स है, बहुत छोटी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका ये जो सेट है ना, ये देखिए ये फंस गया ना इसमें, तो यहाँ पर पीछे जो है ना, यहाँ पर तार जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर तार जोड़ जोड़ के बनाए हैं, और वो जो तार है ना वो चुभ रहे हैं पीछे साइड से। तो ये मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर पीस में प्रॉब्लम है या सब में है। ये देखिए तार निकला हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है।
तो ये इसमें एक प्रॉब्लम। बाकी सेट बहुत सुंदर है, आगे से पूरी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कहीं से भी कुछ निकला नहीं है, बट पीछे से ये वायर जोड़ जोड़ के मेरे ख्याल से एक एक उसको जोड़ के बनाया हुआ है, तो वो चुभ रहा है गले में, इसलिए मैं इसको रिटर्न डाल दे रही हूँ। और क्योंकि मैंने बहुत सारे सेट एक साथ ऑर्डर किए थे तो मैं रिटर्न डाल रही हूँ, एक्सचेंज नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो सकता है ये पर्टिकुलर पीस में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतना सुंदर सेट है और अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो कोई भी इसे पहन नहीं सकेगा। बट यस, इसमें ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। बाकी सेट बहुत सुंदर है और आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है इसका। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो है वूजो ब्रांड की तरफ से। ये इस तरीके की पैकेजिंग में आया था और मुझे इस तरीके की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगती है। हालांकि ये दूसरे पैटर्न पे है इसलिए इस बॉक्स में आ सकता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर है ये सेट। सबसे पहले मैं इसकी इयररिंग्स आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्रिटी है ये देखिए। दिख रहा है आपको बहुत सुंदर, इसमें नग का काम है, स्टोन का, मतलब ये वाइट नग जो है, और ये यहाँ पर मोती है, रेड एंड ग्रीन मीना भी है, सब कुछ है, मतलब ऑल इन वन सेट है ये। और बहुत ही मीडियम साइज़ का इयररिंग है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो देखिए इस तरीके से आएगा, बहुत सुंदर लगेगा। पर्ल का मेन, इसमें पर्ल का भी काफ़ी हाईलाइटेड काम है, ऊपर भी पर्ल है यहाँ पर और नीचे भी है, और बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा नहीं है दिखने में बहुत हैवी लग रहे हैं, बट बहुत लाइट वेट है, तो आप आराम से इनको कैरी कर सकते हो। और ये है इसका नेकलेस, बेहतरीन, ये देखिए, ये इस तरीके का इसका पेंडेंट है और ये इस तरीके का, बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, बहुत सुंदर। पर्ल का काम है, आप इसे गोल्डन साड़ीज़ के साथ में और जो भी आपकी स्टोन वाली साड़ियां हैं, जो पार्टी वेयर साड़ी है, लहंगा है, किसी के भी साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हो, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर लगेगा। वाइट पर्ल का काम है, तो कोई भी कलर की आपकी साड़ी हो सब में जाएगा ये, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट सा ये साउथ स्टाइल का जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है इस तरह से, तो ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और यस, तो जो लोग लॉन्ग में पहनना चाहते हैं, हमेशा हम शॉर्ट वाला नहीं पहनना चाहते हैं, तो इस तरीके का आप ले सकते हो। एक्चुअली मम्मी के लिए मंगाया है, मम्मी को इस तरीके का चाहिए था कि लॉन्ग में कुछ रहे तो वो थोड़ा कैरी करने में इजी रहता है, और बहुत ही लाइट वेट है तो बहुत हैवी हैवी सा नहीं लग रहा है, और बहुत ही ईजीली आप इसे कैरी कर सकते हो, इस तरीके से फोल्ड होकर पाउच में आ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी अच्छी प्राइस में, जितनी भी ज्वेलरीज मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब अंडर 500 है, कोई भी इससे ज़्यादा महंगी नहीं है, तो यस डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। और इस तरीके के बॉक्स में आता है तो इसे आराम से मेंटेन करना भी बहुत इजी है, तो यस ये बहुत ही सुंदर सेट था मुझे और मम्मी को भी बहुत पसंद आया, तो एक ये है। ओके, सो नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, अगेन जो मैंने ग्रीन कलर का लिया था मैंने उसी का रेड कलर में भी लिया है, ये प्रॉपर रेड नहीं है, थोड़ा सा पिंकिश रूबी कलर है ये, तो ये इस तरीके का है, सेम वही डिज़ाइन है, देख सकते हो आप, तो ये मैंने लिया है, ये बहुत ही अच्छा है। मैंने सोचा रेड और ग्रीन दोनों कलर के रहते हैं, तो कई बार ऐसी कोई लहंगा या ऐसा कोई ड्रेस है जिसमें ग्रीन का काम नहीं है तो इस तरीके का पहना जा सकता है, तो इसीलिए ये मैंने रेड अभी मंगाया है। ग्रीन वाला थोड़ा पहले मंगाया था, वो अच्छा निकला, इसीलिए फिर ये रेड वाला रिपीट किया। तो ये वाली ज्वेलरी काफ़ी, मतलब बहुत डिफरेंट नहीं है लेकिन बहुत ही सोबर एंड कंफर्टेबल है, आराम से हर कोई इस तरीके का कैरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें चमक धमक नहीं है, तो बहुत ही डिसेंट सा पीस है और कहीं पे भी आप इसे कैरी कर सकते हो, तो मैंने इसीलिए सेम डिज़ाइन के दो मंगा लिए हैं अलग अलग कलर में, तो ये है। और नेक्स्ट एक और पीस है जो अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है, वो है ये, बहुत सुंदर है ये सेट भी, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है तो मैंने इसका एक्सचेंज डाला है, तो ये सेट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये मैं आपको भी क्लोजअप में मैंने इसका वीडियो बना लिया है, क्योंकि इसे रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है बेसिकली, तो ये एक्चुअली यहाँ पर देखिए टूटा हुआ आ गया है, तो ये प्रॉब्लम है इसलिए इसको एक्सचेंज करना है। बाकी ये सेट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मस्ट हैव है, मैं तो कहूँगी मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें कुंदन का काम है, ग्रीन है, पिंक है, पर्ल है,
बहुत ही ऑल इन वन सेट है। इसे आप मैरिज फंक्शन के अंदर या जैसे नई जो ब्राइड्स होती हैं उनको छोटे मोटे फंक्शन में भी जाना हो तो इस तरीके का आप कैरी कर सकते हो। आप गेस्ट हो तो भी आप इस तरीके का कैरी कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर है, कोई भी एज ग्रुप के लोग इस तरीके की चीज़ें पहन सकते हैं। मम्मी भी पहन सकती है, मैं भी पहन सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की ज्वेलरी है। तो येस, डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत ही अफोर्डेबल है। जैसे कि मैंने कहा 500 ऐसी कुछ रेंज में है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही ज्वेलरीज के जो लिंक है वो आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। बाकी इनमें और भी कलर्स और भी थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ पैटर्न्स दिए हुए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आपको ले सकते हो, है ना। ये मैंने जस्ट एक आइडिया लिया, मैंने शॉपिंग की तो मैंने ये परचेज़ किया, मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दिया। वो पर्टिकुलर पीस जो था वो डबल सेट वाला, उसमें तो वो प्रॉब्लम थी तो मैंने एक्सचेंज नहीं किया, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे मंगा दिए हैं। बट ये वाला मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा था, बहुत ही मतलब सबसे बेस्ट लगा था सब में। लेकिन इसमें इयररिंग्स टूटी हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सचेंज हो जाएगा ये, तो ये एक्सचेंज होकर आ जाएगा। तो आप भी इनमें से जो आपको पसंद आया वो आप ले सकते हो। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना इनमें से सबसे अच्छा सेट आपको कौन सा लगा, और आप अगर कुछ लेने वाले हो या जो भी बताना चाहते हो मुझे बताना, और ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो बाकी की जो मैं ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स वगैरह रखी हुई हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।